शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है, इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध में भागाने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं, और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास आकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता, इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सबसे यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए, और इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इसराइल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया, और अबशालोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है, तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई बरन मेरी हड्डी की हड्डी और मांस हो, और तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो कि क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी मनुष्यों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था, और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया, और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामिनी शिमी भी, जो बहुरिमी था, पूर्ति करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामिन पुरुष थे, और शाउल के घराने का कर्मचारी सिबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था, और वे राजा के सामने यरदन के पार पांव पैदल उतर गए, और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाने चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। और जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा बनकर यरूशलेम को छोड़ाया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया,
देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूं। तब सरुयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसको वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरुयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राणदंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूं? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। तब शाऊल का पोता मफीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न अपने पांव के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मफीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राणदंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। मफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलीम में से आया और राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहता था, तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों व गायकों का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हां किम्हाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा। वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूंगा। तब सब लोग यर्दन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किम्हाम पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यर्दन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया कि कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है वा उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुष ने
यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10% हमारा है और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है, तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? और यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही।